हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो यार अभी मॉर्निंग का 7:30 बज रहा है, तो अभी हम रांची निकल रहे हैं। रांची क्यों निकल रहे हैं यार, क्योंकि मेरा कल भांजा का बर्थडे है और मेरा ट्विंस भांजा है। तो बहुत यार हम लोग एक्साइटमेंट में हैं कि कल बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यार बहुत सारा काम भी है, तो अभी तो यार पहले यहाँ से निकलते हैं रांची के लिए, फिर वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा काम है। रांची तो पहुंच गए, अब जल्दी से यार रूम चलते हैं, क्योंकि जैसा कि हम बताए थे यार बहुत सारा काम है। तो जल्दी से रूम चलते हैं, फिर क्या क्या काम है वो फिर जल्दी से काम कंप्लीट करते हैं। मैक्साकॉन है ये, मैक्साकॉन है ये, मैक्साकॉन है। क्या मैक्स क्या कर रही है? ओ मैक्स क्या कर रही है? सिट करो, पहले सिट करो, सिट कर जाओ। नहाई है क्या रे मैक्स? मैक्स नहाई है क्या? अच्छा, इसीलिए पूरा गोरी लग रही है एकदम। तो देखते हैं यार कब और कैंट्स क्या कर रहा है। क्या कर रहा है तुम लोग दोनों यहाँ? अरे खड़ा हो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, डीडी हो जाओ, खड़ा हो, डीडी हो जाओ। इधर देखो, इधर देखो ना, फोटो खींचो, फोटो खींचो। यहाँ से क्या पूरी निकाल रहा है क्या तुम? इससे उधर से खाओ, यहाँ से मत निकालो, मत निकालो। फिर आएगा वो, ए फिर लिया पूरी वाला पिटाई पड़ेगा। हमने जो दूध रोटी खिलाया फिर लिया गाइस, ये यार इसमें कप्पू और कैंट्स का साइकिल ऑर्डर किए थे, तो यार वो आ गया ये बॉक्स में, जिसको कि अभी मेरे को जोड़ना है। तो एक यार टास्क मिल गया है हमको और संजय को। क्या संजय? हाँ भाई। तो पहले एक दो बॉक्स है यार, दोनों के लिए दो साइकिल है, तो पहले यार इसको एक को जोड़ लेते हैं, उसके बाद एक तो तुरंत हो ही जाएगा। गाइस यार यहाँ पे बहुत सारा टूल्स निकल गया, आप देख सकते हो कि ये बड़ा वाला कार्टून से यार कितना सारा चीज़ निकला है। तो इसको यार सेट करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तो अभी जल्दी से हम लोग इसको सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये साइकिल यार बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले सेट करके, उससे पहले यार मैं कुछ आपको बताता हूँ। ये देखो, ये है यार इसका चेचिस, ये है इसका फ्रंट टायर, ये दोनों इसका बैक टायर है, ये पीछे का बकेट है, ये आप देख रहे हो सीट है, और ये सीट का बैक रेस्ट है, ये स्टेयरिंग है, ये आप देख रहे हो वाटर बॉटल है, और ये जो है कि पीछे से कोई आदमी अगर पकड़ के इसको चलाना है, मतलब कि आप हैंडल बोल सकते हो कि अगर कोई बड़ा आदमी किसी इसको हैंडल कर रहा है तो उसके लिए ये चीज़ उसके सपोर्ट के लिए। तो गाइस अब मैं जल्दी से यार इसको सेट करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जब पूरा सेट हो जाएगा यार तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा इसका लुक, क्योंकि ये साइकिल बहुत ही खूबसूरत था, इसीलिए इसको देख के हम लोग ऑर्डर किए थे। तो सेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज स्टेप नंबर 1 ये है यार, आप देख सकते हो। ये यार स्पेशली ब्लॉग उन लोगों के लिए भी यार, जिन लोगों को यार इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, इसलिए हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं अच्छे से, ताकि वो आराम से सेट कर ले। तो गाइज आप देख रहे हो ये यार चेचिस है इसका, तो पहले चेचिस को यहाँ प्लेस कर देते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है, सबसे पहले यार चेचिस ही इसका लगाना होगा। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको फ्रंट टायर को उठाना है, जो कि ये सेट है इसका पूरा फ्रंट टायर का, आप देख भी रहोगे इसमें पैडल लगा हुआ है, इसको अब इसमें नीचे से प्लेस्ड करना है। तो यार थोड़ा सा यहाँ पे बढ़िया से देख के करना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नहीं बना हुआ रहता है सर्कल, जिसके कारण यार हाथ में चोट भी लग सकता है, और मेरा लग भी गया यार, देख लो आप देख भी रहोगे मेरे को चोट लग चुका है, तो ये चीज़ से बचना यार। तो इसको हम लोग इसमें प्लेस कर देते हैं। तो ये रहा यार, अब स्टेप 3 ये है कि छोटा वाला बकेट को उठाना है और पहले यहाँ पे डालना है ये। तो स्टेप 3 ये है, स्टेप 1 चेचिस था, स्टेप 2 टायर था आगे का,
स्टेप थर्ड ये है छोटा वाला बकेट को पेस्ट करना है, और स्टेप फोर मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये है स्टेरिंग, स्टेरिंग में आप देख रहे हो इसको ऊपर करोगे तो ये है स्प्रिंग वाला जो कि ये प्रेस हो रहा है, आप देख रहे होगे। इसको प्रेस करके यहाँ पे डालना है, जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे तो आप देख रहे होगे यहाँ पे आगे में होल है, ये आगे में होल है। जैसे आप इस स्प्रिंग को प्रेस करके इस होल में डाल के छोड़ देना है ताकि यहाँ पे फंस जाएगा। तो स्टेप फोर हम लोग करते हैं। फिफ्थ स्टेप है यार पीछे का बकेट, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करना। ये जो आप पीछे का पाइप देख रहे हो इसमें इसको उसके नीचे वाले रॉड में इसको पेस्ट कर देना है। तो इसको सपोर्ट देना यार नीचे के रड से ताकि ये नीचे में इसका बेस बना हुआ रहे। तो ये लग गया यार, स्टेप फाइव हो गया। स्टेप नंबर सिक्स में यार सीट से सीट को सेट करना है, तो पहले सीट निकालते हैं। ये रहा सीट, सीट के नीचे यार स्क्रू दिया हुआ है तो स्क्रू के साथ कसना है इसको, आप देख रहे हो सीट के नीचे स्क्रू दिया हुआ है, तो इसको यार इसमें पहले कस लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो यार इसमें तीन यहाँ पे होल दिया हुआ है, एक दो तीन, तो आप उन लोगों के हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना। तो अभी हम तो पीछे से यार इधर साइड से तीसरा नंबर पे ही अभी कर रहे हैं। तो सीट हम लोगों ने लगा लिया है, अब ये है इसका फुटरेस्ट है, इसको नीचे कर देना है आपको फुटरेस्ट को एकदम स्ट्रेट, ताकि हम ये सीट का जो बैक सपोर्ट है इसको हम पीछे लगा सकते हैं। इसका स्क्रूप यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके साथ यहाँ पे टाइट करना है, उसके लिए आपको फुटरेस्ट को सीधा करना होगा। तो हम लोग इसको सीधा कर लिए हैं, अब इसको बैक सपोर्ट को लगाते हैं। तो गाइज यार बैक सपोर्ट हम लोग टाइट कर चुके हैं, इसको नीचे में रेंच से बढ़िया से टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हो स्टेप नंबर वन या चेसिस, सेकेंड नंबर या टायर, थर्ड नंबर ये बकेट, फोर्थ नंबर ये स्टेयरिंग, फिफ्थ नंबर ये बैक का बकेट लगाए थे, सिक्स नंबर में यार ये सीट को लगाए थे, और सीट को लगाने के बाद ये जो इसका फुटरेस्ट है इसको पहले नीचे किए थे, ये यहाँ पे मुड़ा हुआ रहता है इसको स्ट्रेट कर दिए थे। उसके बाद यार ये बैक सपोर्ट लगाएं, अब बैक सपोर्ट के बाद यार पीछे का रॉड लगाना है जो कि इसको बैक सपोर्ट जो दिया हुआ है इसको जो सपोर्ट दे सके। तो उसके लिए रॉड दिया हुआ है उसको मैं लगा के दिखाता हूँ। तो गाइस ये है रॉड, तो यार इसमें एक स्क्रू यहाँ पे टाइट था इसको निकाल लेना है। ये वाला पोर्शन को यार नीचे से इन करना है, नीचे से आप जैसा कि देख रहे हो इस साइड से यार इसको इंसर्ट करना है और इधर बाहर निकालता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रहा यार, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप नीचे से इंसर्ट किए हो तो ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल यार लेफ्ट साइड में आपका रहेगा, क्योंकि ये लेफ्ट और ये आगे का स्टेयरिंग का आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे में एंगल लेफ्ट, तो यार ये दोनों मिलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक ये दिया हुआ है आप देख सकते हो, इसको यहाँ पर सेट करना है। तो वो मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि एंगल दोनों लेफ्ट साइड ही रहेगा। तो ये देखो ये जो एंगल आप देख रहे हो कॉर्नर वाला, उसको यार पीछे का रॉड में लगाना है जैसा कि आप देख रहे हो, और ये जो आप देख रहे हो इसको यहाँ पे, लेकिन इसको नीचे से नहीं इसको ऊपर से इंसर्ट करना है लाइक दिस, और उसके बाद यहाँ पे इसको टाइट कर देना है। तो गाइस ये आप देख रहे हो मैंने इसको टाइट कर दिया है। अब यार इसका देने का रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताऊँगा, अब पहले हम लोगों को इसके ऊपर का चीज़ सेट करना है। ये जो आप देख रहे हो हम लोगों को पहले इसके ऊपर का चीज़ अब सेट करना है। ये है बैक वाला, जिसको यार पकड़ के पीछे से कोई बड़ा आदमी अगर छोटा बच्चा चला रहा है तो आप हैंडल को यूज़ कर सकते हो। तो एक तरह से आप समझ लो ये बड़ा लोग के लिए हैंडल है, और वो छोटा जो चला जो खुद चलाएगा वो उसके लिए हैंडल ये है, अगर आप पीछे से स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे हो तो उसके लिए हैंडल ये है। इसमें भी यार उसी तरह सेम स्प्रिंग दिया हुआ है, इसको स्प्रिंग को यहाँ पर प्रेस करना है और यहाँ पर इंसर्ट कर देना है, और यहाँ पर होल बना हुआ है उसके पास वन होल वाला सिंगल होल में ला के छोड़ देना है। तो गाइस पीछे का यार स्टीयरिंग लग चुका है आप देख सकते हो, अब हम लोग पीछे का दोनों टायर जल्दी से सेट कर लेते हैं, बस उसके बाद सिर्फ ऊपर का कवर लगाना है, बाकी ऑलमोस्ट यार ये कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस इसको स्क्रू को यार आप देख रहे हो ये लॉन्ग वाला जो स्क्रू है इसको इसमें इंसर्ट करना है, और यहाँ पे यार एक प्रेस करने वाला दिया हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होगे यहाँ पे यार, ये देखिए ये व्हाइट कलर का आप देख रहे हो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसको आपको प्रेस करना है और आपको इसको इंसर्ट कर देना है, और जब इस टायर को निकालना भी होगा तो आपको उसको प्रेस करके निकालना है। जैसे मैंने यार इसको प्रेस कर दिया है और ये मैंने इसको
ये यार मैंने इंसर्ट कर लिया। अब आप देख रहे हो ऑलमोस्ट यार ये सेट हो चुका है। मैं आपको फाइनल एक बार दिखाता हूँ। और गाइस इसका फाइनल स्टेप ये जो आप देख रहे हो ये वाला एंगल में ये साइड प्रोटेक्टर है ताकि बच्चा गिरे नहीं, इसलिए इसको इस एंगल में यहाँ पे लगा देना है। और यार उसमें एक वाशर भी दिया होगा ये कवर, और इसको इसमें ऐसे करके इस वाशर को यार पेस्ट करके यहाँ पे इसको प्रेस कर देना। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आप देख सकते हो बैठाते समय यार बच्चा यहाँ पर बैठेगा और उसको यहाँ पर ऐसे करके यहाँ लॉक कर देना। ये दरवाजा यार ये रेडी हो चुका है, ये गाड़ी का दरवाजा के जैसा हो गया। हाँ। बैठिए तो खोल के बैठिए, बस बच्चा गिरेगा नहीं इसमें। और यहाँ पे प्रेस करने का बटन दिया हुआ है, यहाँ प्रेस करके यार इसको खोल लेना है, बैठ जाएगा जब इसको ऐसे बंद कर देना है। बहुत इजी है यार, तो थोड़ा आराम से करना क्योंकि मेरा उंगली में यार जैसा कि मैंने बताया चोट लग चुका है, इसे थोड़ा आराम से करना। तो अब एक बार वॉक अराउंड हो जाए। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो आई होप गाइज ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।